हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ आगे का नहीं है, आज कुछ है जो हमने कल किया था उसी के ऊपर कुछ कंसंट्रेट करेंगे हम। उसकी प्रैक्टिस देखेंगे कैसी है। राइट द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमने उसका माइनर और सबसे पहले तो माइनर और को फैक्टर निकालना है हर एलिमेंट का। उसको करने के बाद हमने ईवैल्यूएशन करना है, पहले इसका ईवैल्यूएशन करेंगे और फिर बाद में ए टू वन एलिमेंट और इसी का माइनर, इसी का कोफैक्टर, सॉरी इसी का कोफैक्टर, इससे मल्टीपल यहाँ सब्सिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे ए टू टू की एलिमेंट की वैल्यू और ए जो है कोफैक्टर की जो वैल्यू निकलेगी ए टू टू की, वो वाली वैल्यू यहाँ सब्सिट्यूट करनी है। ए टू थ्री की वैल्यू वन और जो इसका कोफैक्टर बनेगा उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। जो कैपिटल वाली वैल्यू है वो कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो स्मॉलर एलिमेंट जो है लिखे हुए मैंने, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। पहले आपने इसको डायरेक्ट इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएशन करने के बाद आपने वेरीफाई करना है कि ये दोनों रिजल्ट सेम आते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी है और लेकिन यहाँ पे थर्ड के जो है यहाँ पे हमने सेकंड रो के अलोंग इवैल्यूएशन करी चेक करी थी, यहाँ पे हम थर्ड रो के अलोंग इवैल्यूएशन चेक करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके बाद में आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा और पहले बी का राइट हैंड साइड में पहले बी का ट्रांसपोज करिए, फिर आप ए का ट्रांसपोज करिए, फिर उनको मल्टीप्लाई करिए। बी बी ट्रांसपोज को आगे रखना है और ए ट्रांसपोज को आपने पीछे रखना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, बाद में प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से ये सेकेंड पार्ट भी है। होप है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे।